प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश थाने में रियलिटी चेक करने के लिए खुद एक गुमनाम फरियादी बनकर पहुंच गए और रात में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों से मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की गुजारिश की। एडीजी को आम फरियादी समझकर पुलिस कर्मियों ने उन पर खूब रौब झाड़ा, लेकिन जब उन्हें हकीकत का पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए। एडीजी के सामने माफी मांगने लगे और पुलिस कर्मियों की हरकत पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। पूरा मामला सिविल लाइंस थाने का है, जहां पर एडीजी ने और एडीजी के पहुंचने पर इसकी सूचना मिलते ही बाकी अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। घटना के बाद पुलिस कर्मियों को फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन एडीजी का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है ताकि पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रह सके। इसमें कोई दिक्कत है सर? आगे सर से बात कर लो। कौन से सर? बुला चेक सर से बात करनी थी ना आपको। हाँ यही यही बुला ले। क्या कर रहे हो ये? अरे तो बुला लो। क्या मतलब है आपका? क्या कर रहे हो तो एडीजी प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रेम प्रकाश जी। ये जो रियलिटी चेक आप करने के लिए खुद पहुंचे, एक तो अच्छी हम इसे कहेंगे कोशिश है ताकि पुलिसिंग सिस्टम जो है वो अच्छा हो सके, लेकिन क्या खामियां आपने देखी इसमें? कई तरह की खामियां जो देखने में आई कि एक तो लोग अलर्ट नहीं रहते वहां पर थाने पर जो बैठते हैं जी, और जो ड्यूटी जिनकी लगाई होनी चाहिए नाइट ऑफिसर जहाँ जिस स्थान पर उसको होना चाहिए वहां से इधर उधर घूम रहा था। फिर उसके बाद जो बातचीत करने का तरीका है, जो लोगों के साथ नम्रता से बात करनी चाहिए, कोई फरियादी आए तो उसकी बात पूरी तरह सुननी चाहिए, उसमें कई कमियां लगी। तो उसके लिए सभी जितना भी स्टाफ था उनको सचेत किया गया, थाना प्रभारी को और SSP को भी इस बारे में उनको बता दिया गया कि ये इस तरह का व्यवहार ना रखें और इसको सुधार ना जी। प्रेम प्रकाश जी, अगर ये देखा जाए कि अक्सर जब भी जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात की जाए तो जब भी कोई पहुंचता है फरियादी अपनी फरियाद लेकर, तो देखा जाता है कि या तो वो थाने के चक्कर ही काटते रहते हैं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है, इस तरह की जब कमियां देखी जाती है तो क्या यही वजह समझे कि आप अचानक से पहुंचे वहां पर? जी, इसमें ये रियलिटी चेक करने के लिए कई बार औचक निरीक्षण लोगों को करने होते हैं जो लगातार होते रहने चाहिए, और उससे लोगों में सक्रियता बनी रहती है, और इससे ये भी इंश्योर करते हैं हम कि पब्लिक के साथ हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका व्यवहार ठीक रहे, उनकी वो बात को सुनने और उस पर कार्रवाई करें। जहाँ कुछ कमियां नजर आती हैं उनको इंगित किया जाता, अगर फिर भी कोई सुधार नहीं होगा तो फिर सख्त कार्रवाई के लिए भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आप जब वहां पर एक फरियादी के तौर पर पहुंचे थे तो आपने मतलब क्या एक आम व्यक्ति की तरह वहां पर अपनी परेशानी बताई और फिर क्या उनका रवैया रहा? एक मोबाइल खोने की उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में कहा, तो मोबाइल खोने का जगह उन्होंने कहा इंचार्ज से बात कर लीजिए, उससे कहा कि इंचार्ज को बुला लीजिए, हालांकि उसको ये सब नहीं करना चाहिए। वहाँ जो भी हेल्प डेस्क पे बैठा हुआ उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेंट लेकर आता है उसकी कंप्लेंट के लिए उसको सुने और उसके बाद उसकी कंप्लेंट दर्ज करे, लेकिन उसने इंचार्ज के ऊपर अपनी बात छोड़नी चाहिए कि इंचार्ज आएगा तभी होगी। हमने कहा कि इंचार्ज को बुला लें, उसने बुला लिया इंचार्ज को। उसका उसको रिकॉर्डिंग पर भी आपत्ति थी कि आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा पब्लिक ऑफिस है, सार्वजनिक दफ्तर है, इसमें मीडिया के लोग हैं और ये कोई भी बात इसमें क्या आपत्ति है आपको रिकॉर्ड करने में? तो उसे लेकर वो थोड़ा सा काफी तलक लहजा था, जिसके बारे में उसे समझा दिया गया कि इस तरह इससे व्यवहार न करें, सार्वजनिक दफ्तर है उसकी तरह से ही उसमें देखें, कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता है, अपनी बात कह सकता है, और कोई रिकॉर्डिंग करना चाहे तो उसमें रिकॉर्डिंग में भी उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। जब हकीकत उन्हें पता चली तो फिर उनका क्या कैसा उनका बर्ताव रहा? बर्ताव में अभी सुधार की आवश्यकता है, और हर एक तरह के कर्मचारी है वो जो व्यवहार जिस तरह का था वो अपेक्षित नहीं था, उससे बेहतर होना चाहिए, और अभी इसी तरह की वर्कशॉप्स इनके लिए सॉफ्ट स्किल्स में लगाई जा रही है। SSP को बता दिया गया कि इस तरह की इनकी ट्रेनिंग रखें जिसमें व्यवहार वाले पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाए कि
क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती है पुलिसकर्मियों की वो व्यवहार को लेकर आती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि काम को लेकर कि उनका काम नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले लोगों में सॉफ्ट स्किल्स रहती हो ताकि जो भी वहां पर फरियादी आए या उनसे इंटरेक्ट करे कोई भी व्यक्ति तो उसको वहां पर संतोषजनक उसको जवाब मिले। इसके लिए लगातार इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं जिसमें ये दक्षता हासिल करें जो भी लोग हेल्प डेस्क पर बैठते हैं वो इसमें पारंगत हो जानी चाहिए। इस तरह की वर्कशॉप लगातार चलाते रहेंगे और अभी और भी इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि लगातार ये इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। जो ये निरीक्षण का जो निर्णय था इसके बाद अगर मैं ये देखूं कि आपने ये देखा कि अक्सर हम देखते हैं जब रात के वक्त कोई भी पहुंचता है फरियादी अपनी समस्या को लेकर तो या तो पुलिसकर्मी सो रहे होते हैं या उसमें ढिलाई बरतते हैं, तो कुछ ऐसा भी आपने भी देखा क्या इसमें? लेकिन बहुत जागे हुए थे वहां पर कर्मचारी, उसमें थे डेस्क पर भी बैठे हुए थे, संतरे भी वहां पर घूम रहा था। लेकिन कुछ उसमें थोड़े थोड़े जो परिवर्तन जो अलर्टनेस जिस प्रकार की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं थी। क्योंकि रात्रि में कोई भी आता है तो पहरे पर खड़े हुए व्यक्ति को उसको पुकारना चाहिए कि थम कौन आता है, इस टाइप की कोई उसमें कार्रवाई उसके द्वारा नहीं की गई। और इसके लिए सभी को बता दिया गया कि आगे इस तरह की जो कमियां होंगी उनको पकड़ा जाएगा। अब काफी अलर्ट मिलने लगे हैं। उसके बाद भी कई थानों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो उसमें सुधार आ रहा है, लोगों को पता चल गया कि इसमें कहीं भी इस तरह की कमी मिलेगी तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको जब लगा कि ये पुलिसकर्मी अभी जिस तरह से ड्यूटी निभानी चाहिए वैसे नहीं निभा रहे हैं तो क्या आपने फटकार लगाई वहां पर? जी, इसमें शुरू में हम देखते हैं कि चेतावनी देकर समझा बुझाकर अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता उनके व्यवहार में तो फिर कई सारे हमारे यहाँ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है, फिर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो ये अभियान आप क्या माने हम कब तक चलने वाला है? क्योंकि ऐसे अचानक से निरीक्षण करना अच्छा है ये अभियान अगर चल रहा है तो, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि पुलिसिंग सिस्टम में चुस्त और दुरुस्त रहने की भी आवश्यकता है। जी, हमारे यहाँ कई थाने के निरीक्षण कई प्रकार के रहते हैं जिसमें हम वार्षिक निरीक्षण करना, मानसून निरीक्षण, फिर उसके बाद में हम जो मासिक निरीक्षण करते हैं कई सरप्राइज इंस्पेक्शन बाय डे एंड नाइट, तो इस तरह के औचक निरीक्षण ये प्रावधान है। तो अलग अलग तरीके से ये करते रहते हैं जिससे कि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, जो क्राइम है वो कंट्रोल रहे, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सही तरीके से मेंटेन किया जाए। तो ये अलग अलग निरीक्षण के हिस्से, इसमें ये एक औचक निरीक्षण था जिसमें हम अलर्टनेस चेक करते हैं। शुक्रिया आपका प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो आपने पहल शुरू की है इसकी हम भी सराहना करते हैं ताकि पुलिस जो पुलिसिंग सिस्टम है वो ज्यादा अलर्ट रह सके, इसी के लिए आप ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें सुधार भी आएगा।